हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सलील। आइए देखते हैं सरलीकरण के इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें बोर्ड मास रूल लगता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बोर्ड मास रूल क्या होता है। बोर्ड मास रूल में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है बार ब्रैकेट हो सकता है, स्मॉल ब्रैकेट हो सकता है, कर्ली ब्रैकेट हो सकता है और बड़ा ब्रैकेट हो सकता है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, ये गुणा का ही काम करता है। डी का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी कि हम भाग करेंगे। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करेंगे। और ए का मतलब होता है ऐड करना, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट लास्ट में करेंगे। क्रम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अगर क्वेश्चन में ओ है तो उसके बाद ओ को सॉल्व करेंगे, अगर डिवाइड का चिन्ह दिया गया है तो सबसे उसके बाद हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। इस क्रम को ध्यान रखना है तो क्वेश्चन सभी सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये 40 माइनस ये है 36, करली ब्रैकेट के अंदर 36 भाग 8 माइनस 4, ये छोटे ब्रैकेट के अंदर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बी का मतलब क्या होता था, ब्रैकेट। तो सबसे पहले मुझे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इस संख्या को ऐसे ही लिख लो, ये हो जाएगा 40 माइनस ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा भाग 8 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 40 माइनस, इसमें जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 निम कितना हो जाएगा 36। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, 40 माइनस का 9, तो आंसर कितना हो जाएगा, 40 में से 9 जाएंगे तो ये हो जाएगा 31, आंसर हो गया। इसी क्रम में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। ये है 15 माइनस स्मॉल करली ब्रैकेट 10 भाग 2 गुणा 5 माइनस 5, ये माइनस 5 ये छोटे ब्रैकेट के अंतर हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 15 को ऐसे ही लिखा रहने दो, इसमें कौन सा, ये छोटा ब्रैकेट है, सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो 10 ऐसे ही लिखा रहा, ये हो जाएगा भाग। अब छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसमें गुणा भी है और माइनस भी है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, मैंने क्या कहा था, इस क्रम में सॉल्व करना है। तो इसमें मल्टीप्लाई पहले है और सब्ट्रैक्ट बाद में, तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और माइनस का 5, ऐसे ही लिखा रहा, ये हो जाएगा 15 माइनस 10, ऐसे ही लिखा रहा भाग। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 तो ये हो जाएगा 15 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, जब इसको माइनस करके लिखेंगे तो 15 में से 2 जाएंगी कितनी 13, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें।